आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बचे हुए इडली का अलग तरीका से नाश्ता। तो एक बार अगर घर में इडली बच जाए तो इस तरह से नाश्ता आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने बचा हुआ इडली लिया है और इसे मैंने चार भागों में इस तरह से काट लिया है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था, उसका छिलका निकाल कर मैंने इस तरह से पतले भागों में काट लिया है। एक मैंने शिमला मिर्च को यहाँ लंबे टुकड़ों में काटा है, दो मैंने यहाँ हरा मिर्च को लंबे टुकड़ों में काटा है। यहाँ पर मैंने पैन में 2 चम्मच तेल डाला है, तेल यहाँ गर्म हो गया है। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें सरसों का दाना डाला है। अब मैं इसमें इडली को डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इडली को डाल दिया है, इसे लगातार 3 से 4 मिनट मीडियम गैस पर मिलाते हुए भूंज लूँगी। हल्का सा जो कलर चेंज हो जाएगा इडली का तो मैं इसे निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हल्का सा कलर चेंज हो गया है तो मैंने इसे निकाल लिया है। तो मैंने 2 छोटे चम्मच मैंने तेल डाला है, इसमें मैंने हरा मिर्च डाला है। अब मैं इसमें प्याज को डालूँगी और साथ में मैं डालूँगी शिमला मिर्च को। सभी को डालकर 2 से 3 मिनट मीडियम गैस पर मिलाकर इसे भूंज लूँगी। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गोलकी जीरा का पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार मैं इसमें नमक डालूँगी। सभी को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए इसे मिला लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सोया सॉस, 2 चम्मच मैंने ग्रीन चिली सॉस डाला है, 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें टमाटर सॉस डाला है। सभी को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें फ्राई किया हुआ इडली को मैं डाल दूँगी और इसे भी 2 से 3 मिनट मिलाकर अच्छे से भूंज लूँगी। इससे जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गया है और इडली है जो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ। आप इसे फ्रेंड्स गरम गरम सर्व कीजिए या तो ठंडा में, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं मिलूँगी नए वीडियो के साथ।